हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और सबसे बड़ी खबर और सियासत का सबसे बड़ा सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। कल शाम 6 बजे यानी कि अब से करीब 22 घंटे के बाद नई दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 20 से 25 मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने नए मंत्रिमंडल के सारे नाम फाइनल कर दिए हैं और यकीन मानिए ये नया मंत्रिमंडल बहुत अलग होने जा रहा है। मैं आपको मंत्रियों जो लोग बनने जा रहे हैं उनके नाम अब से थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया आपको बता दूं। इनके चीफ सिलेक्टर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रोफेशनल्स जिनको काम कर रहे हैं का अनुभव है यानी आईएएस, आईपीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इकोनॉमिक्स जानने वाले, ये मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। काबिलियत के आधार पर नए मंत्री बनाए जाएंगे। बताया गया है कि हिंदुस्तान के अब तक के मंत्रिमंडल में इस बार सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी होगी, यानी नए मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के ज्यादा मंत्री होंगे। दलित और आदिवासी समाज के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। पिछड़े, दलित, आदिवासी और यूथ, इनको सबसे ज्यादा जगह दी जाएगी। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, हम नामों पर जाएं उससे पहले जरा यह समझना चाहते हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यानी कैसे कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी भी कोरोना की गाइडलाइंस प्रभावी हैं। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह जो होता है वो एक भव्य कार्यक्रम होता है, लेकिन कल जो हमें ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? सौरभ, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक अपडेट दे दें कि जेडीयू को लेकर, क्योंकि बातचीत लगातार चल रही थी, उसके चलते ये माना जा रहा था कि क्या कोई शपथ की तारीख 7 से 8 भी हो सकता है, तो वो फॉर्मूला अब निकल गया है। और जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं जेडीयू के, वो ये बता रहे हैं कि एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और 3 MOS दिया जाएगा। उस एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री में पहला नाम होगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर, और 3 MOS की अगर बात कर लें तो उसमें संतोष कुशवाहा, दिगंबर कामत और रामनाथ ठाकुर, इन तीनों को उसमें समायोजित किया जा सकता है, ताकि नीतीश कुमार का अपना जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है उसको लेकर भी जो मैसेजिंग वो करना चाहते हैं वो कर दें। और अब आ जाएं कल के शपथ ग्रहण समारोह की, तो पूरे सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। पहली बात यह है कि जो लोग भी वहां पर शपथ के लिए जाएंगे उनका RT-PCR टेस्ट करा के ही वहां पर जाएंगे निगेटिव रिपोर्ट के साथ। दूसरी चीज की बहुत ही कम लोगों को वहां पर आमंत्रित किया गया। आमतौर पर आप देखें तो जब भी शपथ ग्रहण समारोह होता है तो बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, मीडिया का जमावड़ा होता है, समाज के अलग अलग लोग वहां पे आते हैं, पार्टी संगठन के लोग बहुत ज्यादा वहां पे उनकी मौजूदगी रहती है, पूरे नौकरशाह वहां पे रहते हैं, तो एक हाई प्रोफाइल स्टेटस सिंबल माना जाता है ऐसे मंत्रिमंडल विस्तार में शिरकत करना। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन के जो लोग हैं जो कि उस कार्यक्रम के जगह पे मौजूद रहेंगे उनका भी कोरोना टेस्ट RT-PCR टेस्ट कल कराया जाएगा, और उसके चलते यह समय शाम का रखा गया है ताकि कल पहले हाफ में उन सारे लोगों की टेस्टिंग करा दी जा सके। वहां पर जो बैठने की व्यवस्था की जाएगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाएगी, और फैमिली में ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए मना किया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति वहां पे कई लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कैसे कंडक्ट किया जाएगी ये कार्यक्रम, लेकिन अभी जो उससे पहले आप बिहार से जुड़ी खबर बता रहे थे, मुझे लगता है बहुत से लोगों की निगाह उस खबर पर और उत्सुकता रही होगी। अब बिहार का फॉर्मूला हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर ने बता दिया है, 4 मंत्री, 1 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री ये पोस्ट दी जाएंगी। जेडीयू को लेकर के अब जो संशय था वो सरकार में कितने पद उसको मिलेंगे वो दूर हो गया है। तो मैं चाहता हूं देवेंद्र एक बार जरा फिर फोकस के साथ इस खबर पर, क्योंकि आपने नाम तक बता दिए हैं, तो जेडीयू की तरफ से 1 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, नाम भी एक बार फिर बता दीजिए। जी हाँ, पूरे अगर इस पूरे प्रसंग की अगर बात कर लें तो जेडीयू की लगातार कोशिश थी और इसी के चलते पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भी जेडीयू ने उसमें शिरकत नहीं किया, क्योंकि तब ये कहा गया था कि एक ही कैबिनेट आपको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रतीकात्मक इंक्लूजन है। नीतीश कुमार ने इस बात से एतराज करते हुए कहा था कि इसकी उनको जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पीछे वजह यह थी कि वहां पे किस एक व्यक्ति को भेजें, और फिर राज्य में जो नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा फोकस रहता है सोशल इंजीनियरिंग पे, और वहां पर वो खराब मैसेज जाने का उनको अंदेशा था, तो उस लिहाज से तब उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद हाल के दिनों में आपने देखा कि जेडीयू के लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि क्योंकि एनडीए का घटक है जेडीयू, बिहार में दोनों साथ में हैं, केंद्र में साथ में हैं, तो ऐसे सरकार में भी जेडीयू शामिल होगी, हो सकती है। और वहां पर जब बातचीत शुरू हुई तो एक पेच ये फंसा कि कल जब बताया गया जेडीयू को कि 1 कैबिनेट मंत्री और 1 MOS या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 MOS, तब जेडीयू का यह तर्क था कि क्योंकि बिहार में बीजेपी के पास 17 सांसद हैं और उसके 5 मंत्री हैं केंद्र सरकार में, ऐसे में जेडीयू के पास 16 लोकसभा सांसद हैं, तो फिर उसका हक तो कम से कम 4
चार मंत्रियों पे बनता है। तो वहां से बातचीत जब शुरू हुई तो उन चार मंत्रियों में जेडीयू ये चाहती थी कि दो कैबिनेट मंत्री दिए जाएं, दो एमओएस दिए जाएं, लेकिन अब जो हमारे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि दो की जगह एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और तीन एमओएस। उस केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की बात कर लें तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो कि सांसद हैं मुंगेर से, पिछली बार नीतीश सरकार में मंत्री भी थे, उसके पहले भी यहाँ पर सांसद रहे थे और नीतीश कुमार के बेहद भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। मैनेजमेंट के तौर पर उनकी ख्याति ज़्यादा है कि वो चीज़ों को मैनेज बहुत ज़्यादा करते हैं। चारा घोटाला के समय जो पूरी लड़ाई लड़ी गई थी लालू यादव के खिलाफ, उसके चीफ आर्किटेक्ट राजीव रंजन सिंह ऊपर ललन सिंह ही माने जाते रहे हैं। तो नीतीश कुमार जाहिर तौर पर नीतीश कुमार के लिए पहली पसंद हुआ और आरसीपी सिंह क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वहाँ पर यह फैसला करना नीतीश कुमार के लिए आसान रहा होगा कि आरसीपी सिंह संगठन का काम देखेंगे। बिहार के कामों में भी आरसीपी सिंह का बहुत ज़्यादा दखल रहता है और वहाँ पर ललन सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और ये भी तय है सौरभ कि ललन सिंह का जो मंत्रालय होगा वो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा। तीन एमओएस की बात कर लें तो उन तीन एमओएस में एक पूर्णिया के सांसद, एक सुपौल के सांसद दिगंबर कामत और पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा, इसके अलावा रामेश्वर ठाकुर को के नाम पर भी विचार चल रहा है, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और इस तरह से आप देखें तो नीतीश कुमार ने अपना एक पूरा अम्ब्रेला जो वो एक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास फिलहाल कोई मुस्लिम सांसद है नहीं, तो वो जो एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं शायद इस एक्सपेंशन के मार्फत वो मैसेजिंग अपनी कर सकेंगे। तो ये बिहार की खबर आपको देवेंद्र पराशर दे रहे हैं। फॉर्मूला है एक कैबिनेट पोस्ट और तीन राज्य मंत्रियों के पद, और वो भी बता दिया उन्होंने नाम, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनेंगे, उनके अलावा तीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए जाएंगे बिहार से। तो जेडीयू का फॉर्मूला अब तय हो गया है और शायद इसी के लिए आरसीपी सिंह जो थे वो लगातार दिल्ली में जो में डटे हुए थे और उनकी लगातार मुलाकातें चल रही थी। चलिए बिहार के बाद आपको जानना चाहते होंगे और कौन कौन से बड़े नाम है, तो अब जरा उनकी ओर भी चलते हैं। पहले तो देवेंद्र ने बताया कि बड़ा सादगी से कार्यक्रम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होगा, सबकी आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होगी, वही लोग आमंत्रित किए जाएंगे, परिजनों को भी बहुत ज्यादा आमंत्रित करने की मनाही है और शायद एक व्यक्ति जो है परिवार से आ सकता है। देवेंद्र जी हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति ही जाएगा वहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार में और वहाँ पर भी आरटीपीसीआर टेस्ट उस व्यक्ति की भी निगेटिव होनी चाहिए। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर कोशिश ये की जा रही है बहुत सख्ती के साथ पालन किया जाए और अंदर हॉल में जिस जगह पे ये अरेंजमेंट किया जाएगा क्योंकि उसका स्पेस बहुत बड़ा है तो बैठने की व्यवस्था भी पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही की जा रही है। चलिए अब हम और नामों की ओर बढ़ते हैं और सबसे बड़ा नाम जो सामने उभर के आया वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे। इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे और कपिल पाटिल, इनका भी नाम आया है, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का इनको दर्जा दिया जाएगा। और जेडीयू कोटे से अभी बता चुके हैं आपको देवेंद्र, आरसीपी सिंह का नाम भी कंफर्म है, उन्हें भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दो बड़े नाम है निशित प्रमाणिक और शांतनु ठाकुर, ये भी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। देवेंद्र अब जरा जो प्रमुख नाम हैं उनके बारे में और बता दीजिए और किन राज्यों पर फोकस रखा गया और वहां से इन लोगों का चयन किस आधार पर हुआ है। सौरभ एक करेक्शन है, जो आपने बोला आरसीपी नहीं ललन सिंह होंगे जेडीयू की तरफ से। दूसरा जिन नामों में जैसे बंगाल की बात हम लोग कर लें तो बंगाल में शांतनु ठाकुर जो कि मथुआ संप्रदाय के आते हैं, ठाकुरबाड़ी क्षेत्र में हैं, उनका अच्छा प्रभाव वहाँ पे माना जाता है और प्रधानमंत्री के साथ वो बांग्लादेश गए थे। और मथुआ संप्रदाय की बात करें तो हाल में उस संप्रदाय के लोगों ने आपने पिछले चुनाव में भी देखा, इस बार के विधानसभा चुनाव में भी देखा, पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि बीजेपी के को किस कदर उन लोगों ने वोट किया था। तो ऐसे में 2024 में बीजेपी की जो रणनीति होगी उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण नाम था। और के जो टॉप लीडर्स हैं जो कि बंगाल के पॉलिटिक्स में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने पहले दिन से हमें बताना शुरू किया था कि हमारा जो पहला चॉइस होगा वो शांतनु ठाकुर का ही होगा। कल रात शांतनु ठाकुर को मैसेज चला गया था और आज वो दिल्ली आ गए हैं। दूसरे नाम की बात करें तो निशित प्रमाणिक जो कि युवा नेता हैं और वो भी दिल्ली में मौजूद हैं, हालांकि वो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में मौजूद हैं, उनके बारे में तस्वीर पूरे तरीके से साफ नहीं है, लेकिन अमित शाह उनको पसंद करते हैं और निशित प्रमाणिक वैसे सांसद हैं जो कि इस बार उनको विधानसभा चुनाव लड़ा गया था उसमें भी उनको जीत हासिल हुई थी, राजवंशी समाज के आते हैं और नॉर्थ बंगाल में उस समाज का अच्छा प्रभुत्व है, उस समाज के अच्छे लोग हैं, संख्या के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक मैसेजिंग ज़रूर हो सकती है लेकिन निशित प्रमाणिक के बारे में कन्फर्मेशन नहीं है। शांतनु ठाकुर ने ज़रूर ये कन्फर्म किया था कि कल रात वो दिल्ली आए हुए हैं। इनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, इसमें तो खैर कोई सस्पेंस कभी था नहीं।
जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ की इन दोनों नामों को लेके कोई भी सस्पेंस नहीं था, क्योंकि इन दोनों नामों के साथ जब हुआ, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बीजेपी ज्वाइन किए थे तभी ये बता दिया गया था कि न सिर्फ आपको पार्लियामेंट में बल्कि मोदी मंत्रिमंडल में आपको जगह दी जाएगी और अगले विस्तार में ही जगह दी जाएगी, और न सिर्फ जगह दी जाएगी बल्कि आपका जो महकमा होगा यानी कि जो मंत्रालय होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय होगा। दूसरा केस अगर सर्वानंद सोनोवाल की बात कर लें, क्योंकि वो 5 साल के सीएम थे, उसके बाद पार्टी को जीत मिली, पार्टी उन्होंने चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, और जब उनको दिल्ली बुलाया गया हेमंत विश्व शर्मा और सर्वानंद सोनोवाल को, और यहाँ पर क्योंकि अमित शाह की पसंद हम बताए जाते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा थे नंबर वन चॉइस के तौर पे, जबकि सर्वानंद सोनोवाल की भी क्लीन छवि रही है, संघ भी उनको बैक कर रहा था, लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की जो काबिलियत है वो पार्टी ज्यादा आंक रही थी। क्योंकि अब आप जब बोल रहे हैं तो ग्राफिक स्क्रीन पर आ रहे हैं लगातार, तो मैं एक एक नाम बोलता जा रहा हूँ, अब जो कन्फर्म है आप बता ही रहे लगातार। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री बनेंगे और इनको कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा, ऐसा ही सर्वानंद सोनोवाल के साथ, ठीक जी? जी हाँ, निश्चित तौर पर सौरभ, इन दोनों के साथ वो होगा, और इन दोनों का जो महकमा होगा वो महत्वपूर्ण महकमा होगा। सर्वानंद सोनोवाल को जो पार्टी की तरफ से तब कहा गया था तो उसमें ये बाकायदा इस टर्म का इस्तेमाल किया गया था कि आपको एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ केंद्र सरकार में जगह दी जाएगी। हालांकि सोनोवाल तब भी ये कह रहे थे कि वो प्रदेश की राजनीति में ही एक्टिव रहना चाहेंगे, लेकिन पार्टी ने तभी साफ कर दिया था कि आपको दिल्ली आना होगा, जो आपका महकमा होगा महत्वपूर्ण महकमा होगा जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे देश के लिए भी और आसाम के लोगों के लिए भी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया पे अच्छा एक सवाल और इनसे जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं कि जब ये पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट होगी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया 15 महीने से इंतजार कर रहे थे कि उनको कोई भूमिका दी जाए, क्या उसमें कोई इनकी से हो सकती है कि इनको कौन सा मंत्रालय मिल रहा है? निश्चित तौर पर नहीं सौरभ, और दूर दूर तक नहीं उसमें, और आप इनका इनके से की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, बाकी जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं उनको इसकी भनक भी तभी लगेगी जब राष्ट्रपति भवन से जो प्रेस रिलीज आता है उस प्रेस रिलीज में जो कैबिनेट मंत्री शपथ ले लिए रहते हैं वो भी देखते हैं कि अच्छा मुझे कौन सा महत्वपूर्ण महकमा मिला। महकमे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होती उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये बताया जाता है, जैसे आप जेडीयू की बात कर लें ललन सिंह के केस में या ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें, तो उसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपको एक महत्वपूर्ण महकमा दिया जा सकता है, दिया जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं बताया जाता कि या उसमें कोई बार्गेन नहीं होती, कोई बातचीत भी तक नहीं होती है कि आपको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, खासतौर पर तब जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो तो ऐसी चीज की उम्मीद करना भी बहुत ज्यादा बेमानी हो जाता है। प्रीतम मुंडे और हिना गावित दोनों महाराष्ट्र से आने वाली हैं, इन दोनों के बारे में सौरभ अभी पहले तो ये बताया जा रहा था, लेकिन आज इनके दोनों के बारे में ऐसी सूचना नहीं है कि ये दिल्ली आ रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे क्योंकि हिना गावित की अगर बात कर लें तो जिस समुदाय से वो आती हैं और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले दो टर्म में वहाँ पे जीत हासिल की, और जब पिछले 2014 के चुनाव में उनको जीत हासिल हुई थी तो लगभग 42 सालों से कांग्रेस का वहाँ पर कब्जा था नमोदरपाद में, और वहाँ पर उन्होंने हिना गावित ने उस कांग्रेसी नेताओं को माणिकराव गावित को हराया था, लेकिन कल के मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जा रही है कि नहीं, क्योंकि आज शाम में तक हमने जब चेक किया था तब तक वो दिल्ली नहीं आई हुई थी, और आज रात में अगर उनको कॉल जाता है या कल सुबह वो आती हैं तो सब तभी कंफर्म किया जा सकेगा। चलिए देवेंद्र, फिलहाल आपका शुक्रिया, बहुत सारे नामों पर आपने अपने सोर्सेस के हवाले से मुहर लगाई है कि इसमें कम से कम कोई संशय नहीं है, तो कोई और अपडेट होगा आपके पास तो फिर लौटेंगे, फिलहाल शुक्रिया। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।